सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग की काफ़ी सारे स्मार्टफोन में आज एक नया आई40 अपडेट देखने के लिए मिला है, जिससे फ़ोन की यहाँ पे स्टेबिलिटी वगैरह को इम्प्रूव किया गया है। तो आज इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ कौन कौन से स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्मार्टफोन जिनको एक नया आई40 अपडेट आज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो आज इस वीडियो में से डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से स्मार्टफोन है जिनको आज एक नया आई40 अपडेट देखने के लिए मिला है, साथ ही में क्या कुछ डिटेल है उस अपडेट की, क्या कुछ नए फीचर्स आपके फोन में यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर क्लास से जुड़ तक करिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग के काफ़ी सारे स्मार्टफोन में एक नया आई40 अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुका है, और मैं बात करता हूँ कौन कौन से स्मार्टफोन है जिनको फिलहाल आज एक नया आई40 अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो सैमसंग के काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं जिनको नया आई40 अपडेट देखने के लिए मिला है। सबसे पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो है सैमसंग की ए सीरीज़ का, और ये जो स्मार्टफोन है वो है सैमसंग A50। इसको एक नया आई40 अपडेट आज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। जो अपडेट की फाइल थी वो लगभग यहाँ पे 422 MB की है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका सिक्योरिटी पैच वगैरह अपडेट किया गया है। साथ में काफ़ी कुछ नए फीचर्स यहाँ पे आपको फ़ोन में देखने के लिए मिल रहे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। उसे बात करता हूँ अगले स्मार्टफोन की, जो कि सैमसंग की एम सीरीज़ का है, और ये है सैमसंग M30। और अगर मैं इसकी अपडेट की बात करता हूँ तो ये इसकी जो अपडेट की फाइल है वो लगभग 128 MB की थी, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच आपको मिलता है वो मिलता है मई 2019 का सिक्योरिटी पैच, और इसके साथ साथ इसके परफॉर्मेंस वगैरह को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। साथ में कैमरे की UI वगैरह को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। उसे बात करता हूँ अगले स्मार्टफोन की, तो सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro में एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट है वो यहाँ पे रोल आउट हो रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, और आज यहाँ पे नेपाल में एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro के लिए, जिसमें मई 2019 का सिक्योरिटी पैच भी शामिल है। तो अगर आप यहाँ पे नेपाल में रहते हैं तो आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं एंड्रॉयड पाई पे। उसे बात करता हूँ अगले डिवाइस की, जो कि Bixby है, और इसमें भी आपको एक नया यहाँ पे आई40 अपडेट जो है वो देखने के लिए मिला है। दोस्तों, ये थे कुछ स्मार्टफोन जिनको फिलहाल एक नया आई40 अपडेट आज यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो अगर कोई छोटी जानकारी आपको समय आगे होगी, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बटन प्रेस कर लीजिएगा।